तो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, चेक कर ले स्क्रीन आ रही है, वर्ड की फाइल खुली हुई है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने अपनी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को स्टार्ट किया था। बकायदा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था हमारा, जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिजिक्स, हमने ये स्टार्ट कर लिया था आखिर की दो क्लासेस के अंदर। मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया हुआ ये है कि ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम यूजलेस है। इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आता, ना कभी फिजिक्स की डेफिनेशन आएगी। फर्स्ट ईयर के अंदर कौन पूछता है, मैट्रिक में पूछी जाती है फिजिक्स की डेफिनेशन, ब्रांचेस, ये यूनिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, ये सब मैट्रिक का टॉपिक होता है, वहीं पर इसके सवाल आते हैं। फर्स्ट ईयर में इसके सवाल नहीं आते। चैप्टर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेकार सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर की अहमियत यूं है क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत सी ऐसी मालूमात जो हमने मैट्रिक में हासिल की होती है और उसको पढ़े हुए भी हमें समझने 8-9 महीने हुए हैं, हम उसको रिवाइज करते हैं। जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन आपने मैट्रिक की, या ब्रांचेज जो है आपने मैट्रिक में भी शुरू में पढ़ी होती हैं, यूनिट्स वगैरह ये भी आप मैट्रिक के शुरू में पढ़ते, तो आपको तकरीबन 1 साल हो गया वो चीजें पढ़े हुए। तो हम इस चैप्टर के अंदर दरअसल मैट्रिक की, फिजिक्स की कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें रिवाइज करनी होती है और आगे के चैप्टर्स के लिए वो इंतहाई जरूरी होती है, खास करके जैसे कि यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज और ये फिजिक्स की डेफिनेशन। और एक सवाल आता है डायमेंशन का, वो भी कहने को तो चैप्टर 1 से आता है, लेकिन उसके अंदर जो क्वांटिटी दी जाती है वो नीचे के चैप्टरों में से होती है, तो वो नीचे के ही चैप्टर का होता है क्लास से सवाल। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी, फिजिक्स क्या होती है, उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस देखी थी, ये 2 ब्रांचेस बताई थी आपको, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस। उसके बाद फिर कहाँ पर है फिजिक्स, फिजिकल साइंसेस की 2 ब्रांच है, उसमें से 1 ब्रांच जो है वो फिजिक्स है। फिर हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैटर एनर्जी आपको बताया था क्या होता है, फिर हमने फिजिक्स की ब्रांचेस को काफी डिटेल में देखा था, फिजिक्स की 2 अहम ब्रांचेस हैं, 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको आप कहते हो क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी फिजिक्स की जो ब्रांच है उसको आप कहते हो मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स में क्या फर्क है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिया था पिछली क्लास के अंदर। उसके अलावा आपको दीगर ब्रांचेस में आपको मैकेनिक्स बताई थी, इसकी 4 सब ब्रांचेस होती हैं वो बताई थी आपको, बाकी ये इतनी सारी ब्रांचेस आपको बताई थी, इनके अलावा भी बेतहाशा ब्रांचेस हैं, बहुत सी ब्रांचेस हैं। अभी देखें मुझे इसमें इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, बहुत सी हैं इनके अलावा भी ब्रांचेस, आती जाएंगी हम पढ़ते जाएंगे। अब आज की क्लास के अंदर हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी टाइप्स को, फिर हम जाएंगे यूनिट पर, एक फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह लिखा जाता है वगैरह वगैरह। मैट्रिक में ये सब चीजें आपने मैट्रिक में जो आपका चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम था मेजरमेंट, आपने वो वहां पढ़ा होता है, तो ये चैप्टर 2 आप कह सकते हैं। मैट्रिक के चैप्टर 2 को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाके। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जिसको हम कहते हैं जी के प्रॉपर्टीज दैट आर मेजरेबल। ठीक है जी, देखें हर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उठाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी खासियतें होती हैं, बहुत सारी खूबियां होती हैं। मिसाल के तौर पे आप मेरे सामने इस वक्त ना एक कप पड़ा हुआ है, या चले मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और मेरे अंदर 50 खूबियां होंगी, 50 प्रॉपर्टीज होंगी, आप प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, कि मेरे अंदर 50 खूबियां होंगी, उनमें से कुछ ऐसी होंगी जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ, जिनको मैं नाप सकता हूँ, बताया सर किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मैं नाप लूंगा। मिसाल के तौर पे मैं, मेरी जो लेंथ है, मेरी जो लंबाई है, ये खूबी है, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, हाँ जी। इसी तरीके से मेरा जो वजन है, जिसको हम मास कहते हैं फिजिक्स में, ये भी एक प्रॉपर्टी है और ये मैं मेजर कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरा जो टेम्परेचर है, मेरा जो दर्जा हरारत है, 97, अभी मुझे बुखार वगैरह नहीं है, 97 डिग्री फारेनहाइट होगा, देखे मैंने मेजर किया हुआ है, 97 डिग्री आ रही है रीडिंग। ठीक है, कुछ खूबियां ऐसी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इसी तरह कुछ खूबियां ऐसी होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मेरी अक्लमंदी, मेरे अंदर अक्लमंदी है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, पता नहीं हूँ भी नहीं हूँ या नहीं। अब ये तो मेरी इंटेलिजेंस है, क्या इसको कोई मेजर कर सकता है, नहीं। आप इस वक्त 9 स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप में से कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना इंटेलिजेंट नहीं है, मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिसके जरिए मैं किसी की इंटेलिजेंस को नाप सकूं। इसी तरीके से ये जो होता है खूबसूरती या बदसूरती,
ये भी प्रॉपर्टीज होती है, हम मेजर थोड़ी कर सकते हम खूबसूरती को, अट्रैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। अब ये वेस्ट इंडीज के जो वो होती है काले काले लोग, हमारी नजर में ये बदसूरत कहेंगे अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हम उसको कहते हैं कि थोड़ा सा ये खूबसूरती में कम है। लेकिन अगर आप वेस्ट इंडीज वाले जो आदमी होते हैं उनके एंगल से देखेंगे तो वो खूबसूरत होते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर जिनको आप मेजर कर सकते हैं। बकायदा आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं आज की दुनिया में, आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए उसको मेजर कर सकते हो। आप टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से नाप लेते हो, आप मास जो है वो फिजिकल बैलेंस से नाप लेते हो, आप लेंथ जो है वो आप स्केल से नाप लेते हो, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम मेजरमेंट ले सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो जाती है। फिजिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट की फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है ना, सिर्फ इन्हीं को इम्पोर्टेंस देते हैं। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो हमारे लिए फिजिक्स में बेकार है, ना हम उनकी बात करते हैं, ना हम उनको फिर आगे कुछ स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? ऑब्जेक्ट की वो खासियतें, ऑब्जेक्ट की वो खासियतें, वो प्रॉपर्टीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं बकायदा इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, आप उनकी मेजरमेंट हासिल कर सकते हैं, उनको आप कहते हो फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी हैं, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, स्पीड है, एक्सीलरेशन होती है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बहुत सारी है जी, एरिया, वॉल्यूम, मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ये सारी मेजरेबल है, हम इनको मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, कैलकुलेशंस के जरिए, फॉर्मूले के जरिए हम इनकी रीडिंग्स को हासिल कर सकते हैं, इनकी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, हम उनको क्या कहते हैं जी, हम उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एक बात फिजिकल क्वांटिटीज की, आप जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, अकलमंदी वगैरह, वो सब बेकार है फिजिक्स में, हम उनकी तो बात भी नहीं करते, वो साइकोलॉजी की तरफ चली जाती है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये इतनी सारी जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारी हैं, मैंने तो सिर्फ अभी 6 लिखी हैं, इतनी हजारों हैं, हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास। तो हमने जो हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप की होती है। एक कहलाती है फंडामेंटल, इनका आप बेसिक भी कहते हैं इनको, और जो दूसरी टाइप होती है वो कहलाती है ड्राइव। एक होती है जी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इनका दूसरा नाम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, एक होता है ड्राइव। तो हमारे पास दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी उनकी ये दो टाइप होंगी, वन या तो कुछ होंगी फंडामेंटल या कुछ होंगी ड्राइव। अब जरा इनको समझते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल होती है और कौन सी जो है वो ड्राइव होती है। इसको समझने के लिए फंडामेंटल कौन सी होती है, ड्राइव कौन सी होती है, हमें जरा मैथ की तरफ जाना पड़ेगा। मैथ के अंदर हमारे पास बेतहाशा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं आपके पास मैथ में, जीरो से स्टार्ट होंगे, फिर 1, 2, 3, 4, फिर खत्म कहाँ हो रहे हैं, कहीं नहीं खत्म होते, चलते रहते हैं जी, इनफाइनाइट बेतहाशा नंबर है आपके पास। जैसे कि फिजिक्स के अंदर बेतहाशा फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसी तरीके से मैथ में बेतहाशा इनफाइनाइट नंबर है। लेकिन इतने सारे जो मैथ में इनफाइनाइट नंबर है उनमें से ये 10 डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट जो है ना, ये असल में बुनियादी है, ये 10 डिजिट मेन है जी, ये क्या है जी, ये मेन डिजिट होते हैं मैथ के अंदर। और बाकी आप जितने भी नंबर्स को उठा लें इन 10 के अलावा, आप 10 ले लें, 10 ले लें, आप 200 ले लें, आप 245 ले लें, आप 780, कोई भी नंबर उठा लें, आप कोई भी नंबर उठाएंगे आप बाकी के इन 10 के अलावा, वो देखें जरा गौर से, वो इन्हीं 10 को मिला के बने हुए होते हैं। अब जैसे इधर देखें कौन कौन से नंबर्स मिले हुए, 8, 8, 9, 7, 2, 1, इस वाले नंबर को हासिल करने के लिए हमने 3 नंबर्स मिलाए, कौन सा, 2, 5 और 6, हमने ये 3 नंबर मिलाया, हमें 256 मिल गया। तो मैथ के अंदर आपके पास जो इतने सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं उनमें कुछ नंबर्स जो है वो है आपके मेजर मेन, कौन कौन से है, वो सिर्फ 10 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और बाकी जितने भी बच जाएंगे, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे असल में आपके उन मेन नंबरों से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, इनको जो मेन वाले ना ऊपर, इनको हम कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल, और जो नीचे मिलके बने हुए, मिलके बने हुए, उनको हम कहते हैं ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है आपने कोई चीज हासिल की हो अगर, उसको आप कहते हो ड्राइव।
तो ये हमने हासिल किए ना ये नंबर, मुख्तलिफ फंडामेंटल को मिला के हमने ये हासिल किया, इसको इसलिए हम कह रहे हैं ड्राइव। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश पे आ जाए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस पे आ जाए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही मामला है जी, बिल्कुल मैथ की तरह हमारे पास इनफाइनाइट वर्ड्स हैं, बहुत सारे आपके पास इंग्लिश के अंदर इनफाइनाइट वर्ड्स हैं, लेकिन उतनी बहुत सारे जो इतने सारे वर्ड हैं उनके अंदर ए बी सी और डी से लेकर के ये आ गया आपका एक्स और फिर वाई और फिर सेट, ये आपके पास 26 होते हैं टोटल अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 26 जो है ना ये यहाँ इंग्लिश के अंदर ये हैं फंडामेंटल, ये बुनियादी हैं ये। और जो बाकी जितने वर्ड्स हैं आपके पास इंग्लिश के अंदर, बाकी जितने आपको अल्फाज मिलेंगे जैसे कि सन, ये वाला सन, मून, इज, अस, ये सारे क्या है, ये ड्राइव है। क्यों ड्राइव है? क्योंकि ये ऊपर फंडामेंटल जो अल्फाज हैं उनसे मिलके बन रहे हैं। अब इसको देखें आप, इसमें एक एस मिल रहा है, यू है और एन है, इन तीनों को मिलाया सन बन गया, इधर आपने एम ओ एन को मिलाया सन बन गया, तो ये क्या होगा, ये ड्राइव होगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल को मिला के बना रहे हो आप। एक अगर हम और कॉमन एग्जाम्पल लें, अगर एक छोटी सी कॉमन सी एग्जाम्पल लें, तो आम, आलू, सब्जियां, फल जो होता है ये फंडामेंटल है, ये हम हासिल नहीं करते, ये हम जो बनाते नहीं है, ये हम कुदरत से हासिल कर लेते हैं। आम क्या आप बनाते हो? फैक्ट्री में बनता है आम? नहीं, आप कुदरत से हासिल कर लेते हो, आप बना नहीं सकते, आप कुदरत से हासिल करते हो कैसे? दरख्त के जरिए आप हासिल कर लेते हो। हम क्या आलू बनाते हैं? नहीं, हम हासिल करते हैं आलू को जमीन में से निकाल के। तो ये जो सब्जियां हैं, ये जो फल है, ये क्या हो गए? ये हो गए फंडामेंटल। ये जो वेजिटेबल्स होते हैं और क्या जी, क्या नाम दिया था मैंने, फ्रूट्स जो होते हैं, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स, ये क्या हो गए जी? ये फंडामेंटल हो गए, क्योंकि हम इनको, ये बुनियादी हैं, चंद होते हैं और हम इनको बनाते नहीं है, हम इनको हासिल कर रहे हैं बस कुदरत से। और बाकी जो हम फ्रूट चाट बनाते हैं, जो आप सालन बनाते हो घर के अंदर, वो क्या हो जाएगा? वो ड्राइव हो जाएगा। अब आपने ये जो बहुत सारे फल हैं, ये सब फंडामेंटल हो गए, आपने तीनों कुदरत से हासिल कर लिया, आम कुदरत से हासिल कर लिया और खरबूजा कुदरत से हासिल कर लिया, ये हो गए फंडामेंटल। फिर आपने इन सारे फंडामेंटल को काट पीट के जब मिलाया, तो वो जो फ्रूट चाट होती है, फ्रूट चाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, फ्रूट चाट ही लिख दिया मैंने, ये फ्रूट चाट क्या हो गई? ये ड्राइव हो गई। क्यों? क्योंकि आपने फंडामेंटल से मिला के हासिल किया। तो इन तीन एग्जाम्पल्स के अंदर, ये मैथ वाली एग्जाम्पल, ये इंग्लिश वाली एग्जाम्पल और ये आपकी घरेलू एग्जाम्पल, इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की चीजें, एक फंडामेंटल के नाम से, एक ड्राइव के नाम से। फंडामेंटल जो होती हैं वो कम होते हैं, ड्राइव ज्यादा होते हैं। गौर से देखिएगा ये पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, आप इन तीनों एग्जांपल्स में कंपेयर करके देख लीजिएगा। दो तरह की चीजें हैं मेरे पास, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल जो होंगी वो कम होंगी, ड्राइव जो होती है वो ज्यादा होती है। फंडामेंटल मैं बनाता नहीं हूँ, बस कुदरत से यानी अडॉप्ट करता हूँ मैं, कुदरत से मुझे मिल जाता है, या बस ये, अब ये जो नंबर है वन या ये टू थ्री है, ये आप बताएं बाकी किसी नंबर से मिलके बना हुआ है? नहीं, बस मैंने ये थ्री को ऐसे लिखा और इसका नाम रख दिया थ्री। इसी तरह ये फाइव जो है, या ये फाइव जो है, ये क्या मैंने वन और टू दोनों को मिलाऊंगा तो वो तो वन और टू ट्वेल्व बन जाएगा, ऐसे हासिल किया फाइव? नहीं, मैंने ये फाइव ड्रॉ किया और इसका नाम रख दिया कि ये फाइव कहलाएगा। अगर साइंटिस्ट इसका नाम फोर रखते तो फिर इसको फोर बोलना लग जाते। तो ये हमारे पास कम होते हैं, फंडामेंटल कम होते हैं, ड्राइव ज्यादा होते हैं, ये हम हासिल करते हैं बस कुदरत से, ये हम बनाते हैं फंडामेंटल को मिला के। ये आप कैसे हासिल करते हो? कुदरत से हासिल कर लोगे, या आपने इनका इजाद कर लिया, या आपने इनका नाम रख लिया, इस तरह बस। और ये जो होते हैं इनको आप हासिल करते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, फंडामेंटल जो होते हैं ना वो किसी भी पे डिपेंड नहीं करते, और ड्राइव जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अब इसके मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब ये फंडामेंटल नंबर देखें आप, ये सेवन जो है, क्या ये अपने आसपास के नंबरों पे डिपेंड करता है? नहीं। अगर मैं इस एट की जगह नाइन लिख दूं तो क्या सेवन चेंज हो गया? नहीं। अगर मैं इस नाइन की जगह फाइव लिख दूं तो क्या देखें आप, सेवन चेंज हो रहा है? नहीं। यानी कि ये जो सेवन है ना, ये सारे जो फंडामेंटल, ये इंडिपेंडेंट है। आप बाकी फंडामेंटल को चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आजाद है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन ये जो ड्राइव होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं। अब देखें, यहां पर हमारे पास 200 में तीन फंडामेंटल है, आप एक को चेंज कर दें, जीरो की जगह आपने वन लिख दिया, वो नंबर ही चेंज हो गया पूरा। पहले नंबर क्या था? ड्राइव 200, अब हो गया नंबर एक नया 210, चेंज हो गया ना। यानी आपने इसके अंदर जो फंडामेंटल है, एक को भी चेंज करोगे ड्राइव क्वांटिटी चेंज हो जाती है।
इसी तरह इसी में देखें आप, यहाँ ओ लगा हुआ तो सन है ये बेटा, ओ की जगह मैंने यू लगा दिया तो ये हो गया सूरज, आई लगा हुआ है तो इज हो गया, यू लगा दिया तो अस हो गया, ये डिपेंड कर रहा है, ये आ, आ, ये जिनसे मिलके बने हुए ना उन पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड नहीं करते। आप इस बी को चेंज करके सी कर दें, डी कर दें, ई कर दें, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप ये जो सब्जियां होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं, आपने आम आपका खट्टा निकल आया तो बराबर में अगर कीनू पड़ा उससे उसको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने फ्रूट चाट बनाई और उसके अंदर आम कड़वा निकलाया तो पूरी फ्रूट चाट खराब हो जाएगी, पूरी फ्रूट चाट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। आप आलू गोश्त बना रहे हैं तो आलू गोश्त आलू की जगह आपने टिंडे डाल दिए तो टिंडा गोश हो गया, उसकी जगह आपने लौकी डाल दी तो वो लौकी गोश हो गया, चेंज हो रहा है। आप फंडामेंटल चेंज कर रहे हो तो ड्राइव चेंज हो रही है। तो ये तीन बातें ध्यान में रखने लायक होती हैं फंडामेंटल और ड्राइव के हवाले से। क्या है जी वो तीन बातें फंडामेंटल के अंदर, क्या है जी फंडामेंटल? एक मिनट जरा रुकिएगा, हाँ ओ, ओ, ओ। तो फंडामेंटल और ड्राइव में हमें क्या क्या फर्क नजर आया? फंडामेंटल के अंदर हमने पहली चीज देखी कि ये कम होती हैं, लो होती हैं, बहुत कम होती हैं, मिनिमम होती हैं, मिनिमम कह लेते हैं हम इनको, कम से कम होती हैं ये आपके पास, ज्यादा नहीं होते फंडामेंटल डिजिट्स, फंडामेंटल वर्ड्स ये आपके पास कम होते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज जो होती हैं वो जरा ज्यादा होती हैं, हाई होती हैं, ज्यादा होती हैं। एक फर्क तो ये आ गया आपके पास दोनों के दरमियान। फिर दूसरा फर्क क्या है कि जो फंडामेंटल्स होती हैं वो हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर वो डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये जो ड्राइव होती हैं ये डिपेंडेंट होती हैं। अरे भैया इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। ड्राइव जो होती है वो हमारी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो जिन फंडामेंटल से मिलके बनी हुई है अगर आपने उन फंडामेंटल को चेंज कर दिया ना तो ये ड्राइव क्वांटिटी चेंज हो जाती है। और तीसरा फर्क मैंने आपको क्या बताया कि ये हम बनाते नहीं है, इनको हम अडॉप्ट करते हैं, इनको हमने अडॉप्ट कर लिया जी, हम कुदरत से हासिल कर लेते हैं या हमने ईजाद कर लिया या डिस्कवर कर लिया, ऐसे मिली है बस हमें फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो ड्राइव होती है ना ये हम बनाते हैं, ये हम ड्राइव करते हैं। कैसे ड्राइव करेंगे, मिला लेते हैं, आपने एक क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी ली, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी ली, मिला दिया, ड्राइव बन गया। ये जरा एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, ये तीन और ये जो तीन बातें आ गई। अब यही कुछ मामला हमारे पास वापिस इधर आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पर है। फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट की वो खासियत जिनकी हम मेजरमेंट ले सकते हैं, हम उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, एक है जी फंडामेंटल और एक है ड्राइव। फिजिक्स के अंदर भी वही मामला है जो मैथ इंग्लिश के साथ है। फंडामेंटल हमारे पास सिर्फ सात हैं, देखिए कम है, सिर्फ सात, कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात हो गए, देख लिएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन सात को हम बेसिक कहते हैं या फंडामेंटल कहते हैं, बाकी जितनी भी है रेस्ट ऑफ ऑल वो सब ड्राइव हो जाएंगे, जितनी भी बाकी होंगी ना वो सब ड्राइव हो जाएंगी। तो फंडामेंटल और ड्राइव के अंदर पहली बात तो वही आ गई जो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल कम होती है, ड्राइव ज्यादा होती है। तो देख लें फंडामेंटल आपके पास सिर्फ सात है फिजिक्स के अंदर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ड्राइव मैंने आपको क्या कहा था, ज्यादा होती है, तो देख लें रेस्ट ऑफ ऑल इज ड्राइव। इन सात के अलावा फिजिक्स में आपको कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो ड्राइव होगी, फोर्स ड्राइव है, स्पीड ड्राइव है, एक्सेलरेशन ड्राइव है, प्रेशर ड्राइव है, ये इन सबको मैं ड्राइव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो इन फंडामेंटल के साथ में से नहीं है। तो आप आपके लिए आसान होता है फंडामेंटल और ड्राइव को आइडेंटिफाई करना, आपको अगर ये सात फिजिकल क्वांटिटीज नजर आएंगी तो ये फंडामेंटल है और इन सात के अलावा जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी नजर आएगी वो ड्राइव हो जाती है। उसके बाद दूसरा फर्क मैंने आपको क्या बात कहा था कि फंडामेंटल जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है यानी कि ये किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती। अब आप देख लें जी, एक ऑब्जेक्ट का लेंथ है और मास है, एक आदमी है उसका 6 फुट कद है ये उसकी लेंथ हो गई,
और उसका 10 किलो वजन है, ये उसका, सॉरी 10 किलो तो बहुत ज्यादा कम हो गया, 100 किलो वजन है, ये उसका मास हो गया। अब अगर उसने डाइटिंग करी और 100 किलो मास से रिड्यूस होकर उसका मास हो गया 50, यानी मास कम हो गया, तो क्या उसकी हाइट भी कम हो जाएगी? नहीं, उसकी हाइट सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। आप ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर दें, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लेंथ चेंज कर दें, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होती है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। इंसान का वजन देख के थोड़ी टेम्परेचर होता है, कम वजन वाले इंसान को भी बुखार हो जाता है, ज्यादा वजन वाले इंसान को भी बुखार हो जाता है। तो ये क्या है जी, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। लेकिन ये जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं, ये जिनसे मिलके बनी हुई होंगी उन पर डिपेंड होती है। मिसाल के तौर पे आप सब ने मैट्रिक में स्पीड या वेलोसिटी नाम से एक ड्राइव क्वांटिटी पढ़ी है। स्पीड ड्राइव है, क्यों? इन साथ में नहीं है, इन साथ में नहीं है, इसलिए स्पीड को मैं ड्राइव कह रहा हूं। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें डिस्टेंस किस चीज में मेजर किया जाता है, लेंथ। डिस्टेंस क्या है, ग्लास से लेंथ होता है जी, डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ होता है। तो अब ये जो स्पीड है ये आपको कैसे मिलती है, आप लेंथ को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, एक ये लेंथ, ये भी एक फंडामेंटल है, और एक ये टाइम। आप ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाएं अगर डिस्टेंस को और टाइम को, तो फिर आपको ये ड्राइव मिलाता है। यानी कि ये भी वही बात हो गई कि ये आप मिला के हासिल कर रहे हैं, फंडामेंटल से इनको आप अडॉप्ट कर रहे हैं, इनको आप मिला के हासिल कर रहे हैं। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज किया, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। इसी तरीके अगर मिसाल ये डिस्टेंस को, लेंथ कह रहा हूँ, डिस्टेंस को अगर आपने चेंज किया, उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, स्पीड चेंज हो जाएगी। आप डिस्टेंस को चेंज मत करें, आप टाइम को चेंज कर दें, तो भी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। यानी स्पीड दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे और टाइम पे। आप इनमें से एक को भी डिस्टर्ब करेंगे, एक को भी चेंज करेंगे, स्पीड चेंज हो जाएगी। फंडामेंटल में मैंने आपको बताया कि आप लेंथ और मास है जैसे, तो आप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, आप मास को चेंज करें, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये स्पीड जो है ये इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। आप एक को भी चेंज करेंगे तो इसकी उसके चेंज की वजह से स्पीड में फर्क आ जाएगा, लिहाजा ड्राइव क्वांटिटीज क्या हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। तीसरी मैंने आपको क्या बताया था कि इनको आपने अडॉप्ट किया हुआ है, ये हम बना के हासिल नहीं करते। अब लेंथ जो है ये कोई लेंथ मैं ऐसे हासिल करूंगा क्योंकि मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा लेंथ मिलेगी, नहीं। लेंथ को हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, लेंथ को हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, मास को आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हो, टाइम को भी आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हो, टेम्परेचर को भी आप, इनको आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। ये अडॉप्टेड है, इनको आपने इजाद किया। बाकी ये जो होती है स्पीड वगैरह ड्राइव जो होती है ये हमारे पास हासिल हो रही है मिला के। अब देखो ना आपने स्पीड कैसे हासिल करी, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज को मिला दिया, आपको स्पीड हासिल हो गई। ठीक है, तो ये होता है जी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी दो टाइप। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को आप, ऐसी प्रॉपर्टीज को आप कहते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। दो तरह की है हमारे पास फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज, एक है फंडामेंटल और एक है ड्राइव। फंडामेंटल कौन कौन सी होती है, ये सात बस फंडामेंटल है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, करंट और सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सात के अलावा बाकी जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में नजर आएंगी वो सारी ड्राइव होंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है वो जिन फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई होती है ना, उन पर डिपेंड करती है। अगर आप चेंज करेंगे उन फंडामेंटल को तो स्पीड चेंज हो जाती है या ड्राइव चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद आते हैं अगली चीज पर, वो है ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, अब हम आते हैं यूनिट्स पर। यूनिट्स पर आते हैं, यहां से जाएंगे यूनिट्स की तरफ आते हैं जी। यूनिट्स क्या होते हैं, ये भी बड़ी काम की चीज है। यूनिट्स फिजिक्स के अंदर, खासकर आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर तो बहुत काम का है। अब यूनिट्स के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे आपके वर्ड के बजाय जाना होगा पावर पॉइंट पे, सॉरी पेंट पे। तो अब देख लीजिएगा आपके पास पेंट की स्क्रीन आ रही। अब हमने पेंट की स्क्रीन पर समझना क्या है जी, हमें पेंट की स्क्रीन पर समझना ये है कि मैं हमेशा ये लाइन गलत ड्रॉ करता हूँ, हमें समझना है कि ये यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, एक कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने मेजर की और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उस पर रीडिंग आ रही है जी 10। अब आपसे कहा जाए कि इसको आइडेंटिफाई करें कि मैंने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है, या ये 10 है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करके बैठा हुआ हूँ, मैंने कोई मेजरमेंट ली है, रीडिंग पर आ रहा है कितना रीडिंग आ रही है उसकी 10। अब आपसे पूछा जाता है कि जी ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। हाँ, अगर मैं इस 10 के साथ, अगर मैं इस 10 के साथ ये चीज लिख दूं K और G,
अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की थी। आप कहोगे जी आपने सर मास मेजर किया किसी भी चीज का, कोई वजन नापा आप, ठीक है। आपको कैसे पता चला मैंने ये जो 10 रीडिंग है, ये जो 10 मेजरमेंट आ रही है, ये वजन की है? इस फैक्टर से आपको पता चला कि मैं किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इस 10 के साथ केजी के बजाय मीटर लिख देता, एम फॉर मीटर, तो अब आप समझ जाते कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये मैंने किसी की लेंथ नापी है। अब आपको कैसे पता चल रहा है ये 10 जो है वो लेंथ है इस एम से। ये यूनिट्स होते हैं, ये जो होते हैं ना इनको आप यूनिट्स कहते हो। यूनिट्स दरअसल वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हम मेजर की हुई क्वांटिटी के आगे लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अच्छा, आप जब किसी चीज को मेजर करते हो तो जो इस रीडिंग आती है ना, ये जो नंबर आ रहे होते हैं रीडिंग, अगर आपने किसी वजन को नापा तो तराजू पे जो रीडिंग आ रही है या आप स्केल पे जो रीडिंग हासिल करते हो, इसको आप कहते हो मैग्नीट्यूड, एम ए जी एन आई आई टी यू डी, ये होता है मैग्नीट्यूड। ये जो नंबर होते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, जो आपने इंस्ट्रूमेंट में या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हासिल किए होते हैं, ये जो नंबर होते हैं इनको आप कहते हो मैग्नीट्यूड। और ये जो आपने उसके आगे सिंबल लगाया हुआ होता है या वर्ड लिखा हुआ होता है, जैसे किलोग्राम, सेकंड, मिनट, मीटर, इनको आप कहते हो यूनिट। तो जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे फिजिक्स के अंदर, तो हम ये दो चीजें लिखते हैं उसके अंदर। एक हम उसमें लिखते हैं मैग्नीट्यूड और एक हम लिखते हैं यूनिट। बात हमारी कंप्लीट हो जाती है। मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, सपोज करें मैंने टाइम मेजर किया। अब मैं जब टाइम को, जब मैंने टाइम मेजर किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी इवेंट का टाइम मेजर किया, तो अब मैं जब टाइम को फिजिक्स के अंदर लिखूंगा तो मुझे ये दो चीजें लिखनी होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड इसका, सपोज करें जी 25 था वो रीडिंग आ रही थी इंस्ट्रूमेंट पे, घड़ी पे रीडिंग आ रही थी 25, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। और मैंने मिनट लिख दिया तो मिनट हो गया जी यूनिट। तो आप जब भी फिजिक्स के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो ये दो चीजें तो आपने लाजमी लिखनी होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अगर आप एक भी चीज मिस कर देंगे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो यूनिट क्या होते हैं जी, यूनिट आपके मैग्नीट्यूड के साथ जो रीडिंग आपकी आ रही है उसके साथ आप कुछ अल्फाज लिखते हैं, कुछ वर्ड लिखेंगे, ये वाले वर्ड, जिनसे आपको क्या होगा जी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो रीडिंग हासिल की हुई, आपने जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का है। अगर आप 10 के आगे यूनिट लगा दें किलोग्राम, आप समझ जाएंगे ये मास है। अगर आप मिनट लगा दें आप समझ जाएंगे टाइम है। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड लगा देंगे आप समझ जाएंगे ये टेम्परेचर है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक यूनिट होगा। अब मैं वापस जा रहा हूँ वर्ड पर। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, क्योंकि टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। यहाँ तक किसी को सवाल है तो पूछे मुझसे। अलिशबा, बिस्मा, लाइबा, माशान, मुहिब, अबू बकर और क्यू मोबाइल। अच्छा एक सेकंड, अबू बकर कह सर रैंक, चैट पर एक मैसेज आया हुआ है किसी का, सर रैंक मैटर नहीं रखता तकवा से, सर रैंक मैटर नहीं रखता तकवा, सर सर ये एमसीक्यूज आते हैं, सर ये ज्यादा एमसीक्यूज में आते हैं, सर नो सर, नो सर मैं, हाँ अबू बकर का हमें माइक ऑन करना पड़ेगा, इनको बहुत सारे सवाल आते लगते हैं। हाँ अबू बकर बेटा माइक खोलो,